अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैद अली सीनियर नेटवर्क एंड वीज फेयर एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज नेटवर्क एसेंशियल प्लेसिसिन प्लेसिसिन पिन कोर बैच 5 एंड हमारा सेशन नंबर 39 अभी लाइव है। तो 38 सेशंस अभी तक हो चुके हैं। मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि आप अपने 38 सेशन सारे के सारे कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने हैं। तो आप जाइए वेब ब्राउजर पर, वहाँ पर लिखिए youtube.com। ये वेबसाइट जब आप एंटर करेंगे ओपन हो जाए। इसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो आपने सर्च बॉक्स जो आपका नज़र आएगा जहाँ पर सर्च लिखा होगा आपने वहाँ पर जाना है। सही है, वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे हमारे कंपनी का नाम जो है नेट प्लस वर्चुअल। जो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, लेकिन नेट प्लस वर्चुअल वी ब्रिंग क्वालिटेटिव स्किल्स साद अली सईद फाउंडर ऑफ नेट प्लस वर्चुअल। तो यहाँ पर आपने ये सर्च करना है, टॉप में आपके पास एक चैनल आ जाएगा, आपने उस चैनल पर क्लिक करना है एनपीवी नेट प्लस वर्चुअल पर। प्ले लिस्ट में आना है आपके, प्ले लिस्ट में आने के बाद अपना कोर्स सर्च करें। तो आपका कोर्स कौन सा है, ये है सिस्को एडवांस नेटवर्किंग नेटवर्क एसेंशियल सीसीएनए सीसीएनपी इन कोर 39 सेशन। तो आज ये कौन सा सेशन, सेशन 38 सेशन हो चुके हैं। आप सारे 38 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो आप देख सकते हैं अभी पूरा प्ले लिस्ट एक्सेस हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 38 सेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आज है 39 नंबर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा एक कोर्स है VMware vSphere, वो भी तकरीबन दो दिन पहले कंप्लीट हो चुका है 3 महीनों में। 6 महीनों का था, हमने बहुत आसानी से समझाया, आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको तरीका दिखाया तो कि हाउ टू एक्सेस, आपने जाना youtube.com, सर्च बॉक्स में आपने हमारे कंपनी का नाम लिखना है जो है नेट प्लस वर्चुअल। इसके बाद आपके पास टॉप में एक चैनल आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है एमपीवी नेट प्लस वर्चुअल। यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट के अंदर, ये देखिए इसका लास्ट सेशन 32 है, 32 सेशन है इसमें। इसको करने के बाद आप वीस्फेयर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। ये देखिए आप ये पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें लोगों ने 16 लोगों ने इंटरव्यू दिए, फिर उन्हें मैंने एक्सेस दिया इस कोर्स का कि लाइव सेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इंटरव्यू ये सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, मैंने आपको तरीका दिखा दिया है, ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि लास्ट सेशन हो चुका है 31 और 32, सेशन 32 लास्ट सेशन था। इसके बाद आप वीस्फेयर में सेटअप बन जाएंगे। और मेरा एक मैसेज भी पहुँच चुका है, सही है, 1 डे अगो मैंने अपलोड किया था फाइनल मैसेज आफ्टर दिस कोर्स कम्प्लीशन। तो आपको मैसेज भी सुनवा देता हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और एक दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुडंट स्टार्ट द वीडियो कॉल बिकॉज ऑफ एन एरर, तो यहाँ पर कुछ एरर आया है, तो मसला है, चलिए इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए मैसेज ऑन कर देता हूँ ताकि आप भी वो मैसेज देख सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे किस चीज़ का, CCNA प्लस CCNP कोर्स का। तो आपके लिए वो मैसेज मैं चला देता हूँ, सही। ये आप देखिए फर्स्ट, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद अली सैयद Network and vSphere Administrator, Virtual Instructor at NeoNetworkX Karachi and Founder of NetPlus Virtual. So, आज हमारा आखिरी दिन है और हमारा कोर्स जो है VMware vSphere Data Center Virtualization, Server Virtualization और Private Cloud का बैच 1 आज ख़त्म हुआ जाता है। 6 महीनों का कोर्स था, हमने कम्प्लीट किया सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में, तकरीबन 32 के करीब सेशंस में कंप्लीट किया, 139 लेक्चर्स बनाए, 600 स्लाइड्स का बुक कवर किया और 16 लोगों का इंटरव्यू दिया। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा गाइड करते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। और आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर आप लोगों को डिस्टर्ब किया इस कोर्स में,
और आप लोग कोई भी तकलीफ हुई हो, क्योंकि आज हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है तो बहुत ही इमोशनल फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यानी इतनी मेहनत की आप लोगों के साथ, इतना टाइम दिया आप लोगों को, लाइव सेशंस लिए, इस तरह इंशाल्लाह कुछ करेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट टू भी लॉन्च करें इसका। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको कुछ दिखाता हूँ इस सेशन के हवाले से जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं नेटवर्क स्पर्चो की जन्म से। तो हमारे यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये असाइनमेंट्स थे, कुछ कुछ इंटरव्यूज हमने लिए थे लोगों से, कुछ लेक्चर्स थे, आप सब देख सकते हैं सारे, ये कुछ नोट्स हमने बनाए थे सारी चीज़ें। ये देखिए ये पूरा कोर्स हमने आपके लिए अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं पूरा, हम लाइव सेशंस लेते थे तो ये पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरह। ये हमने इंटरव्यूज लिए थे, 16 इंटरव्यूज लिए थे हमने। और इस तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आज ये ग्रुप भी हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि कोर्स ख़त्म हो गया है। ये ग्रुप था, इस पर हम लाइव सेशंस यानी शेयर करते थे, उसका लिंक आ जाइए लाइव हमसे सीखें, सारा कुछ हम शेयर किया करते थे, नोट्स वगैरह शेयर करते किया करते थे, ये सारी चीज़ें देखिए सारा आप देख सकते हैं। तो आखिर बस ये दिखाऊँ कि वीएमवेयर वीस्फीयर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्राइवेट क्लाउड का बैच वन ख़त्म हो गया है, आज 3 महीने का कोर्स ख़त्म हो गया है। सो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। ये कोर्स जो 6 महीने का होता है, लोग $300 पे पढ़ाते हैं, हमने आपको फ्री में पढ़ाया, 3 महीने में कंप्लीट कराया। और 25 सितंबर 2022 संडे को स्टार्ट हुआ था और आज 28 दिसंबर 2022 वेनसडे को ख़त्म हुआ और 2022 भी ख़त्म होने जा रहा है। तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर फिनिशिंग द वीएमवेयर वीस्फीयर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्राइवेट क्लाउड बैच वन। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो ये तो मेरा एक मैसेज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड था। अब एक काम करते हैं, आपको ये तरीका सिखाता हूँ ना कि हाउ टू एक्सेस दिस मैसेज, ताकि आप भी ये पब्लिकली देख सकें। अगर आप लोगों ने भी सही नहीं देखा ना, तो आप लोगों को तरीका सिखाता हूँ। आप youtube.com में जाना है, अपनी सर्च बार आपको नजर आएगा, आप यहाँ पर जाकर सर्च करना है। देखिए आप यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे कंपनी का नाम नेट प्लस वर्चुअल, तो मैम के पास रिजल्ट आ जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपने वीडियोस में आना है और यहाँ पर ये देखिए वन डे अगो, ये कंक्लूजन के नाम से वीडियो है, वीएमवेयर वीस्फीयर कोर्स कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स, आपने ये वीडियो देख लेनी है, सही है। इसका सेकंड लास्ट सेशन था और इसका लास्ट सेशन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सही है। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, 140 तक। और आज अभी हम मुझे याद हो गया, कि आज हमने एक लेब करना है, मुझे अभी याद हो गया, मेरा आज प्लान था कि लेब करेंगे मगर मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। सो मुझे अभी याद हो गया कि हमें आज लेब करना है, आज थ्योरेटिकल काम नहीं हुआ, सही, ताकि आप लोग बोर ना हो, आज हम लेब करेंगे, एक लेब आज हम करेंगे, सही। और सेशन को शॉर्ट रखेंगे ताकि आप लोग देख सकें। और इसके बाद हमारा एक कोर्स है तो वो भी खत्म हो जाएगा, 15 डेज नेटवर्किंग बूट कैंप, तो वो भी आज एंड हो जाएगा। तो आज हम लेब में क्या करेंगे पता है, आज हम लेब में 2 राउटर्स को कनेक्ट करेंगे ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, एक राउटर ये वाला होगा, सही होगा, और एक ये वाला होगा। तो फर्स्ट कनेक्ट नेटवर्किंग लेब का मतलब है कि नेटवर्क बनाना, तो नेटवर्क बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन, पहले हमने इससे कनेक्ट करना है फिर कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये दोनों सेम डिवाइस है, सेम के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस आउट केबल, कनेक्टिविटी ख़त्म, अब हमने कम्युनिकेशन करवाना है तो फिर लेब ख़त्म हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो कैसे करेंगे कम्युनिकेशन,
ये दोनों ऑफ है ना, पोर्ट डाउन है कम्युनिकेशन के लिए, सही। तो हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन कैसे, ये पोर्ट्स जो है ना, ये राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं, राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं हम इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको तकरीबन सेशन 10 में ही समझाया था इस कोर्स में कि राउटर पोर्ट कैसे कहते हैं। पोर्ट्स दोबारा बताता हूँ, टू विच वी कैन असाइन लॉजिकल एड्रेस, या जैसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, यानी वो पोर्ट जिसे हम आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस असाइन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं राउटर पोर्ट। और ये राउटर के अंदर सारे पोर्ट राउटर पोर्ट ही होते हैं, क्योंकि इन्हें हम आईपी असाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि बाय डिफॉल्ट, और आपको पता है जब ये लैब में कर लूंगा तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा ये लैब, सही। तो बाय डिफॉल्ट दीज पोर्ट्स आर डाउन फॉर कम्युनिकेशन, यानी अगर ये कनेक्ट हो जाए ना तो ये पोर्ट जो है ये कम्युनिकेशन के लिए ऑफ होते हैं। तो इन्हें आपको कहना होगा कि नो शट डाउन, शट डाउन मत रहो और अप रहो कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर ये आप होंगे, सही है। और ये राउटेड पोर्ट्स होते हैं, यानी ये राउटर के अंदर सारे पोर्ट्स राउटेड पोर्ट होते हैं और इन्हें हम आईपी असाइन कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें राउटेड पोर्ट कहते हैं। क्योंकि आईपी क्या चीज़ है, आईपी हमारे पास एक राउटेड प्रोटोकॉल है, तो अगर आप उन पोर्ट्स को राउटेड प्रोटोकॉल असाइन करते हो तो वो राउटेड पोर्ट कहलाते हैं। तो ये सारे राउटेड पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/0, यानी अगर हम आईपी देंगे और कहेंगे कि नो शट डाउन बंद मत हो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं, तो ये अप होंगे कम्युनिकेशन के लिए। और ये राउटेड पोर्ट इसलिए क्योंकि ये राउटेड पोर्ट कॉलिंग पाइपलाइन होते हैं, यानी आईपी इन्हें हम दे सकते हैं, इसलिए ये राउटेड पोर्ट है। तो आईपी कैसे देंगे, आईपी हम सेम नेटवर्क में अप देंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिक आईपी इंटरनेट वाली यूजर करता हूँ, तो 1.1.1.1 इसका फॉर एग्जाम्पल होगा 1.1.1.2। अब यहाँ पर मैं आऊँगा राउटर के ऊपर क्लिक करूंगा, सी लाइन में जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा नो, यहाँ पर लिखूंगा एनेबल, यहाँ पर लिखूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पर लिखूंगा इंटरफेस। फिर तो देखो ना कि पोर्ट्स का सिचुएशन क्या है, ये कमांड दो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो जरा, एक ही पोर्ट है डाउन है, प्रोटोकॉल का स्टेटस डाउन है, आईपी से असाइन नहीं हुई है। अगर हम राउटिंग टेबल की बात करें तो डू शो आईपी राउट बेस्ट पाचेस में एक भी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सारा हमें कन्फ्यूर करना पड़ेगा, सही है। तो कैसे, लिखो इंटरफेस, क्या नाम है फास्ट इंटरनेट, पोर्ट का नंबर क्या है 0/0, आईपी एड्रेस कैसे देना है, लिखो आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है, क्लास एक है जिसमें एक नेटवर्क 3 होस्ट होते हैं, और सबनेट मास्क तो जाहिर है एक नेटवर्क तो 255, 3 होस्ट और 3-0, और नो शट डाउन यानी कम्युनिकेशन के लिए अप रहो। देखो चेंज सेट टू अप, कम्युनिकेशन के लिए भी पोर्ट अप है, सही है ना। और आपने आईपी दे दी, ये भी कहा कि कम्युनिकेशन के लिए अप हो जाओ, कैसे कहा हमने इस, देखिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस मोड में है, और इसे कहा कि नो शट डाउन, और फिर ये अप हो गया कम्युनिकेशन के लिए, शट डाउन मत रहो, और ये अप हो गया कम्युनिकेशन के लिए। हमने आईपी कैसे दी आप देख सकते, इसका सबनेट मास्क और आईपी हमने दे दिया, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस मोड में किस तरह है, तो लिखा इंटरफेस उसका नाम और उसका पोर्ट नंबर, इस तरह से इसका भी करना है। सी लाइन में जाओ, लिखो नो, लिखो इनेबल, लिखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले रिजल्ट्स चेक करो फिर कॉन्फ़िगरेशन करो। कैसे, लिखो डू शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है, लिखो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड। हमने पोर्ट देखो ना, दो पोर्ट से सारे डाउन है, किसी को भी आईपी नहीं मिला, कैसे करना है, लिखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी कैसे देना है वही तरीका, आईपी एड्रेस 1.1.2.255.0.0, नो शट डाउन, कम्युनिकेशन के लिए अप हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक जो सही हो गए हैं, एक है चेंज स्टेट टू अप, एग्जिट करो, और अब देखो पहले रेड थे और अब दोनों ग्रीन है, दोनों कम्युनिकेशन के लिए अप है, पहले रेड थे यानी अप नहीं थे, डाउन थे। अगर हम अब रिजल्ट चेक करें तो डू शो आईपी राउट, देखो रिजल्ट कनेक्टेड है ना ये वाला, ये नेटवर्क, ये देखिए क्लास ए है ना, क्लास ए में एक नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क तो 1 रहेगा, और होस्ट नेटवर्क आई डी के लिए होस्ट डाउन होंगे 0, और स्लैश का मतलब है कि 8 फर्स्ट बिट्स जो है नेटवर्क के हैं और लास्ट 24 बिट्स जो है वो किसी के हैं,
होस्ट के हैं। यूनिट इसका नेटवर्क आई डी है जो इसके साथ कनेक्टेड ले रही है, वन इसे साइन हुआ, नहीं इसका नेटवर्क आई डी। अगर इसका राउटिंग टेबल चेक करें तो ये भी इस तरह होगा, डू शो आई पी राउट, देखो रिजल्ट वही रिजल्ट है, कनेक्टेड टू वन नेटवर्क। कैसे इसके वन आई पी है इस नेटवर्क में आता है। अगर हम इंटरफेस का हाल चेक करें तो डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, देखो आई पी साइन हो गए, प्रोटोकॉल अप और स्टेटस अप। अगर यहाँ पर आए देखेंगे डू शो आई पी, सॉरी आई पी इंटरफेस ब्रीफ, चेक करो ये वाला पोर्ट अब भी कम्युनिकेशन करेगा। अब हम रिजल्ट चेक करेंगे कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लिखेंगे डू पिंग 1.1.1.2, देखो कर सकते हैं कम्युनिकेशन कि नहीं, और यहाँ पर भी देखो कि कर सकते हैं कम्युनिकेशन कि नहीं, तो लिखो डू पिंग 1.1.1, अगर कर सकते हैं तो हमारा लेब ख़त्म, नहीं तो नहीं कर सकता। अगर एक भी एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आए मतलब कर सकते हैं, देखिए सक्सेस रेट है 80%, 4 पैकेट हुए और यानी 5 पैकेट हुए, उसमें 4 रिसीव हुए, कम्युनिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी सक्सेस रेट इज 100%, 5 पैकेट 5 रिसीव। अगर यहाँ पर हम दोबारा पिंग करते हैं तो देखो 100% कम्युनिकेशन, 5 पैकेट 5 रिसीव, हमारा लेब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। दोनों राउटर जो है आप उसमें कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, कनेक्टेड भी है, नेटवर्क हमारा बन गया है, और आपको पता है कि हमारा लेब मुकम्मल हो चुका है सक्सेसफुल। और हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं, नहीं चाहते कि इतना लंबा हो जाए ताकि आप लोग ना देख सकें, तो इसलिए हम इसे सेव करते हैं और सेशन को एंड करते हैं। पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो ये टू राउटर्स कनेक्ट, टू राउटर्स अगर ऐसे नाम दे तो बुरा नहीं होगा, टू राउटर्स ओके होगा। तो अपने सेशन को खत्म करते हैं, आज के लिए इतना काफी था, अपना लेब खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में, अल्लाह हाफिज़।